कैसे आई हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और दोपहर के 1:12 बज गए हैं हाथ आगे और मतलब नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी बैठी हुई हूँ। और बेटा गया है स्कूल तो वो आ जाएगा 1:30 बजे तक, तो मैं आप लोग से मिलवाऊंगी। और गाइस मेरा रूम सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे ही पर्सनली पता नहीं कि हस्बैंड मैंने पूरा रिनोवेट करवाया है रूम, तो कैसा लग रहा है मेरा रूम आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और गाइज यहाँ पे फोटो फ्रेम के पास मेरा मैंने पांडा का ड्राइंग बनाया था, जो कि ऑनलाइन स्टिकर मिलता है उसका ही मैंने ऑनलाइन ही देख के खुद से पेंट बनाया था, जो कि आपको मेरे पुराने वीडियोस में दिखेंगे। वहाँ पे मेरा पांडा था जो कि पेंट होने के कारण वो चला गया। और गाइज आज मैंने न्यू बेडशीट बिछाई है जो कि मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है और बच्चों के रूम के लिए तो बहुत बेस्ट है। तो ये आया भी है, बहुत अच्छा ही है, पर मैंने किंग साइज ऑर्डर किया था पर वो साइज भी थोड़ा सा छोटा ही पड़ रहा है। तो लेकिन फिर भी गाइज अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है मेरा बेडशीट। और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोग को इसका लिंक सेंड कर दूंगी। और कुछ नहीं, बस बैठे हुए हैं और बेटे का इंतजार कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, जैसे कि 9th मंथ में तो कितनी बार डॉक्टर यहाँ जा चुकी हूँ, 9th मंथ में मेरा 3 बार हो चुका है डॉक्टर यहाँ जाने का, लास्ट मंथ है। और इस टाइम बहुत ज़्यादा झंझट, कभी मेरा बीपी बढ़ा रहता है तो कभी मेरा बेबी का भी नाल जो फंसा हुआ है गर्दन में, इसके लिए डॉक्टर बुला लेते हैं। तो अभी गए थे मैं परसों डॉक्टर यहाँ पर, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मतलब खाना वाना बनाया और सुबह का ही नंबर लगा था 11 बजे का, तो जस्ट खाना वाना बना के आया और सीधे निकल गई थी। कपड़ा वगैरह कुछ नहीं धोया था, बस खाना बनाया और बर्तन वर्तन धोए और निकल गए थे हल्का सा नाश्ता करके। तो वहाँ गया उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लेट हो गया, लगभग 4 बजे के आसपास मैं घर वापस आई थी। और मतलब डॉक्टर यहाँ जाने में बैठने में तो सही सिर दर्द हो जाता है, मेरा मन भी नहीं हो रहा था। उस दिन मैं डॉक्टर यहाँ गई तो अल्ट्रासाउंड हुआ, 9th मंथ में मेरा दूसरा बड़ा अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। अभी भी डॉक्टर का वही कहना है कि अगर पेन आया तो नॉर्मल डिलीवरी है, नाल फंसा हुआ है तो उसका भी कुछ बता नहीं सकते हैं, वो तो डिलीवरी के टाइम में पता चलेगा। और कहने का मतलब है कि अभी भी एक नाल फंसा हुआ है तो उसका कुछ भी बता नहीं सकती है। मतलब अगर पेन आया और मतलब पेन आया तो ठीक है, वरना 1 तारीख को मेरा डिलीवरी डेट है, अगर उस दिन तक पेन नहीं आया तो उसके 2-3 तारीख मतलब हॉस्पिटल में आ जाने के लिए बोला गया है मुझे। तो वही थोड़ा मतलब थोड़ा टेंशन है, बेटा भी मेरा बहुत अच्छे से हो गया उसके टाइम, मुझे मतलब सिर्फ एक उल्टी का प्रॉब्लम था और बस खाना कुछ नहीं खा पा रहे थे, पर इस सेकेंड प्रेगनेंसी मेरा उल्टी उल्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यही कि लास्ट मंथ में आके ऐसा कुछ मतलब नाल फंसने के कारण डॉक्टर को भी डाउट है कि नॉर्मल हो गया या नहीं, पर आई विश कि सब कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं। और फिर आप लोग को मेरे ब्लॉग में नए मेहमान देखने को मिलेगा, अभी तक तो अपने बेटे को देखा था, पता नहीं क्या आ रही है, गुड़िया रानी आ रही है या मेरा बेटा पता नहीं, लेकिन मुझे तो जो चाहिए मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैंने बोल बोल के सबको इतना मतलब पका दिया है। और सोचती हूँ कि जो शायद मैं सोचा रही हूँ वो नहीं हुआ तो फिर नहीं, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाए, अच्छा से हो जाए, बेबी अच्छा रहे हैं कि जाता है। तो एक मंथ के लिए एक बाहर मतलब मायके चल गई तो हस्बैंड पूरा रूम चेंज करवा दिए और उन्होंने एक और चीज़ घर में लगवाया जो कि मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। तो ये है फ्लावर वास जो कि प्लाई का मतलब लकड़ी का बना हुआ है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत। ये जो मेरा था ना पहले फ्लावर तो पुराना है ये वाला, और ये हस्बैंड ने न्यू लेके आए हैं, तो जो कि बहुत खूबसूरत है, रोज है, रोजेज हैं। और ये जो था ना मेरा पुराना वाला वो था मतलब ख़रीदा हुआ था, किस चीज़ का बोलते हैं, जो कि ख़राब हो चुका था तो मुझे चेंज ही करना था, तो हस्बैंड ये लकड़ी का ही बनवा दिए और बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि
हस्बैंड ने पूरा रूम भी चेंज करवाया, और मेरे ना रहने को उन्होंने मतलब बहुत मेहनत की है रूम में, पूरी साफ सफाई पूरा, मतलब मैं नहीं दिया अभी, ऐसे भी मुझे नहीं करना था। डॉक्टर लास्ट टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट को बेड रेस्ट करने के लिए बोल रहे थे, मतलब ज़्यादा चलने फिरने झुकने के लिए नहीं बोला गया था। इसके कारण आप लोग पता है कि थोड़ा 10 दिन के लिए गए थे मायके पर, थोड़ा सा ज़्यादा दिन रुकना पड़ गया। इसके बीच हस्बैंड ने पूरा रूम भी पेंट करवा दिया था वगैरह सब कुछ। और ऊपर मेरे रूम के ऊपर ये बॉक्स है जो कि मतलब ये भी उन्होंने साफ करवाया है, आदमी बुलवा कर साफ सफाई वाले भैया को बुलवा के पूरा रूम साफ करवा दिया है। और मेरा पलंग वगैरह ये सब बॉक्स वगैरह सब साफ करवा दिया है था। तो मेरा बस यही काम था कि ये जो अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल हो गया, चाहे ये गोदरेज है, बस यही सब साफ करना था। तो लगभग मेरा मतलब कंप्लीट हो ही चुका है साफ सफाई। तो आप लोग में से कितने लोग अभी तक सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तो रह नहीं दिवाली का, तो आप लोग भी जरूर बताइए कि आप लोगों का सफाई हो चुका है या नहीं। मेरा तो लगभग हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बाकी। तो गाइस शाम हो चुका है और चलते हैं कुछ कपड़े प्रेस कर लेने। हस्बैंड के कपड़े हैं मेरे नहीं है, मेरे मैंने कल परसों कर लिया था, तो हस्बैंड के सिर्फ कपड़े प्रेस करने हैं। और शाम का टाइम हो रहा है और कपड़े भी यहाँ पे छत पे से आ गए हैं, इसे फोल्ड करना है। तो मिलती हूँ मैं आपसे आए कपड़े प्रेस करने के बाद। यूँ भी सो गया था, खाना भी नहीं खा रहा था, बहुत मुश्किल से उठाने के बाद थोड़ा सा ही खाया है स्कूल के वजह से। तो यूबी का स्कूल रहता है सुबह में, इसलिए उसको सुबह सुबह उठना पड़ता है और रात को लेट से सोता है, इसलिए आज उसको जल्दी नींद आ गया। स्कूल से आने के बाद सोता भी नहीं है। तो गाइस कल है मेरे भाई का बर्थडे, तो 12 बजने वाला है, तो 12 बजे में सबको विश करना है। और खाना पीना सब कुछ हो गया, और इस ब्लॉग को करते हुए भी मरे आई हो बात, तो ब्लॉग अच्छा लगा, और इस ब्लॉग में लाइक शेयर मेरे चैनल बनाए चैनल।